सो हाई एवरी वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग। सो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही चुका होगा, अभी मैं जा रहा हूँ मेरी गाड़ी लेने, मेरी कैनेडा की, या मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी लाइफ की जो सबसे पहली गाड़ी है वो मैंने परचेज़ करी है। सो आई एम सो हैप्पी राइट नाउ एंड सो मच एक्साइटेड। अभी मैं जस्ट मेरे घर पर जा रहा हूँ, अभी एक सामान लेने गया था, ये मेरे हाथ में, क्योंकि वो कहते हैं ना नई गाड़ी का वो मुहूर्त करना और स्ट्रीफर वदेदना और थोड़ा बहुत चीज़ें रहती है, तो उसके लिए सामान लेके आया हूँ। जस्ट आधे घंटे बाद अभी डिलीवरी, आधे घंटे बाद। सो अभी घर पे जाके फिर फ्रेश होके जाऊँगा और फाइनली 2 साल मेरे को कंप्लीट होने में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। 15 दिसंबर की मेरी फ़्लाइट थी 2020 की और अभी है 13 दिसंबर। सो थोड़े दिनों बाद मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे कैनेडा के और फाइनली मेरे पास गाड़ी होगी। सो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 2 साल के अंदर पहली बार मेरे को मौका मिलेगा अपनी खुद की गाड़ी में बैठने का और ये इतने भयानक से विंटर में चलने का। भयानक सा तो नहीं है, काफ़ी सुंदर है, यह आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, हर जगह स्नो है अभी। एंड बाय द वे, जितनी भी डिटेल में, अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा लास्ट के सिर्फ 3-4 मिनट ही देखो। उसमें मैं आपको बताऊँगा क्या प्राइस थी गाड़ी की, कौन सी गाड़ी थी, क्या इंश्योरेंस पड़ा और क्या क्या चीज़ें थी जो करनी रहती है आप जब नई गाड़ी परचेज करते हो तभी। और अगर आपको मोमेंट एन्जॉय करना है, मेरी जर्नी में थोड़ा बहुत साथ देना है, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। मैं सारी स्टोरियाँ बताता जाऊँगा साथ साथ में और सारी चीज़ें आपको दिखाता जाऊँगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो अभी फाइनली लास्ट बारी बस की वेट करते हुए पीछे मैं और मेरे एक रूममेट फ्री थी, तो हम दोनों जा रहे हैं गाड़ी लेने। और इसके बाद आई डोंट थिंक कि बस में काफ़ी ज़्यादा कुछ रीज़न हुआ तो ही सफ़र करेंगे, बाकी बस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब गाड़ी होगी। तो बस अभी बस का वेट कर रहे हैं और सारे पेपर्स और वगैरह मेरे पास रेडी है, वो वीडियो के एंड में ऑफकोर्स बताऊँगा कि क्या था। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर। सो फाइनली ये रही पीछे गाड़ी और अभी सारी प्रोसीजर और पेपर वर्क डन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन है। अभी आपको देख के पता चल ही चुका होगा एलेंट्रा 2020 मॉडल है। अंदर से आगे डिटेल में बाद में बताता हूँ, पहले आपको जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली उनसे थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और वैसे मैं अभी पीछे ये किचनर ह्यूंडई में हूँ, सो वहाँ से ही मैंने गाड़ी ली हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी सर्विसेज और वगैरह है। और जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली उनसे आपको मिला देता हूँ। सो ही इज़ डीन and guys, he's the best person. If you are planning to buy any car, just come to Hyundai Kitchener and ask for the Dean or maybe Chris and they will help you to get out the best discount and best car offers you can find in the Kitchener. So thank you so much Dean. Thank you so much for your visit. Ki na hai koi khabar, raaston se meri gehri yaari ho gayi jo farz se। सो अभी फाइनली गाड़ी हम लोग लेके जा रहे हैं मेरे घर पे, तो सबसे पहले इसकी पूजा करनी है थोड़ी। मेरे साथ में जो पड़ोसी है वो गुजराती है, सो वहाँ पे 2 छोटी लड़कियाँ हैं, तो उनसे जो थोड़ी पूजा वगैरह है वो कराएंगे और फिर बाद में मंदिर जाएंगे अच्छे से और फिर बाद में थोड़ा बहुत घूमते हैं गाड़ियों में और आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली ये जो है वाइट कलर, जैसा आपको पता चल चुका होगा, एलेंट्रा 2020 प्रीफर मॉडल है। गाड़ी में ना तेरा फीचर्स दिखा कि मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है, लाइक ये जो तू डिवाइस के बारे में बोल रहा था उसका बता कि इसका यूज क्या है। कि अगर आपकी ये गाड़ी है ये म्यूट हो जाएगा ना। सो ये है गाड़ी का इंटीरियर, ब्लैक कलर है और वैसे इनबिल्ट इसमें जीपीएस और वो नहीं है, बट ये जो है वायरलेस कारप्ले, क्या है नाम इसका, एडेप्टर, वो है हमारे, मेरे को इन लोगों ने फ्री में ही दिया हुआ है साथ में गाड़ी के साथ। सो ये सारा आप लोग मैप, कॉन्टैक्ट या कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करके। और 3-4 मोड है गाड़ी में, जो स्पोर्ट्स मोड, स्मार्ट मोड और वगैरह, अभी तो स्मार्ट में ही चला रहा हूँ मैं। और गाड़ी जो है वो अगर आप देखोगे तो 15,000 के अराउंड ही चली हुई है अभी तक, सो काफ़ी ज़्यादा कम चली हुई है। आई गेस किसी ने 4-5 महीने चलाई थी, उसके बाद नहीं चलाई हुई। और पूरा ये सीट्स वगैरह और वो भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी है।
और यहाँ पे कीर्ति बैठी हुई है और पीछे आरुषि है। सो अभी सबसे पहले घर जाते हैं। और वैसे मैंने उतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई यहाँ पे कनाडा में, कभी कभार ही रेंट पे करके चलाई हुई है। सो थोड़ा संभाल संभाल के जाना पड़ेगा। बट आप दोनों के पास इंश्योरेंस है राइट? गाड़ी कवर कर, तो गाड़ी का भी इंश्योरेंस है। यहाँ पे इंश्योरेंस के बगैर तो कुछ होता है नहीं। अगर आप विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको आई गेस 1000 या 1500 फाइन है। सो इंश्योरेंस मैं कल ले चुका हूँ और मेरा खुद का भी इंश्योरेंस है और ये दोनों का भी, पैसेंजर लोग का भी है। सो कुछ भी होगा तो देख लेंगे। बट भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। बुरा है जमाना तू चिंता कर ना कर अगर मगर, कैसा है ये सफर अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। सो पूजा वगैरह कर चुके हैं उसके ऊपर, जो वो लड़कियाँ थी उन्होंने करी हुई है और मैंने भी थोड़ी बहुत करी। और ये मेरे पीछे यहाँ पे श्री राम धाम करके काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है किचनर के अंदर ही। सो यहाँ पे हम कभी कभार आते हैं, अभी दर्शन कर लेते हैं। 5 से 8 खुला था तो परफेक्ट टाइमिंग पे आए हम, 5:10 ही हुए और अंदर चलते हैं। कल मैं सारी चीज़ें बताना ही भूल गया आप लोगों को। सो अभी बता देता हूँ कि ये गाड़ी, जैसे मैं बता चुका हूँ, एलेंट्रा 2020 प्रीफर मॉडल है। ये वैसे नई गाड़ी है बिकॉज ऑल किसी ने 14,000 किलोमीटर ही चलाए हुए सिर्फ ऑलमोस्ट 4-5 महीने में, उसके बाद ये गाड़ी चली नहीं थी उतनी। और ये ही उस मोमेंट पे थोड़ा जल्दी अवेलेबल हो सकती थी। सो मैं पिछले 10-15 दिन से ही गाड़ी ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे को जो जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने जाना, अभी मैं जॉब फाइंड कर रहा हूँ तो मेरे को और भी बहुत सारे काम हो जाते जब आप वर्क परमिट पर आते हो तभी। सो एक गाड़ी लेना नेसेसरी हो गया था और सेकंड हैंड में मैं नहीं लेना चाहता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है और लेना ही है तो मैंने सोचा थोड़ी अच्छी सी ले लेते। सो नई गाड़ी में सीन ये था कि ऑलमोस्ट 4-5 महीने का वेटिंग चल रहा है आप किसी भी जगह पे जाओगे तो, या फिर आपको थोड़ा बहुत कलर और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो नई लेने के बाद ऐसा था कि अगर मेरे को विंटर जो है, ये तीसरा मेरा विंटर, वो ऐसे ही निकालना पड़ता बस में और पैदल। सो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि बाद में भी लेनी है और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को टॉप मॉडल्स या बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए। और जो इंश्योरेंस था वो मेरे को पड़ा ऑलमोस्ट 255 पर मंथ में, क्योंकि मेरा अभी जी लाइसेंस नहीं है मेरे पास, बट मैं एलिजिबल हूँ अभी जी देने के लिए, तो नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट पास कर दूंगा। सो G2 में मेरे को 255 द बेस्ट ऑफर मिली हुई थी RBC से, बाकी मेरे को 300-350 तक भी पहुंच पा रहा था। सो ये बेसिक सी डिटेल थी। और गाड़ी मैंने फाइनेंस कराई ऑफकोर्स, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट भरा हुआ है और बाकी की जो वारंटी, विंटर टायर्स और वो सब सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है। एक और चीज़ होती है ट्राई केयर इंश्योरेंस करके, जब भी आप कभी भी गाड़ी में आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, टोटल लॉस में गाड़ी, तो आपको जो बैंक को जो आपने लोन ली होती है वो अगर गाड़ी की वर्थ नहीं होती उतनी, सो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते बैंक को। सो अगर आप ट्राई केयर इंश्योरेंस लेते हो तो वो जो पैसे है उसमें आप एक सेफर साइड पर पहुँच सकते हो। सो वो भी मैंने लिया हुआ है। सो ऐसे सारी चीज़ें गिन गिन के टोटल जो गाड़ी टैक्स और वगैरह मिलके गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 31 या 30 तक पहुंच जाती है। उसके बाद जो लोन कराई उसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट, अभी जो सेकंड हैंड गाड़ी में जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 6 समथिंग चल रहा है और फर्स्ट हैंड है तो भी 4-5% है। सो इंटरेस्ट रेट अभी काफ़ी हाई है, तो ज़रूरत अगर नहीं है तो आई वुडेंट रिकमेंड कि आपको लेनी चाहिए। मैंने 7 साल के फाइनेंस करा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये 2-3 साल में भर भी सकता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट जो है बाकी का वो मेरे को हर साल पे नहीं करना पड़ेगा और मेरा प्लान यही है बेसिकली। सो ये सारी बेसिक से डिटेल थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।